तो यहाँ पर अपने को एक नंबर सर्च करना है जो कि C000H लोकेशन पर स्टोर्ड है, ठीक है। और जो अपने पास लिस्ट बनी हुई है वो लिस्ट ऐसी है सच दैट D000H पर उसके लिस्ट की लेंथ अपने को दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ रखी हुई है और उसके बाद फिर वो लिस्ट अपनी कंटिन्यू कर गई है D001H से, फिर आगे अपनी लिस्ट जा रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो डाटा है रखा हुआ वो अपने को सर्च करना है कि भाई यहाँ कहीं पर है कि नहीं है, ठीक है, ये अपने को सर्च करना है। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो अपने को जो C000H वाली जो लोकेशन है उसको कैसा क्लियर कर देना। क्लियर कर देना मतलब वहाँ पर 00 भर देना है और बस फिर प्रोग्राम हॉल्ट कर देना। तो बहुत ही सिंपल सादा सा चीज़ है कि भाई पहले तो क्या करो कि अपना पॉइंटर यहाँ पर सेट करो, ठीक है, पॉइंटर यहाँ पर सेट करो। तो भाई वो मैंने किया, ठीक है, वो मैंने किया, ये वाला पॉइंटर यहाँ पर सेट किया। रुक जाओ, पहले पॉइंटर तुम यहाँ पर सेट करो, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पर पॉइंटर सेट करो ताकि, अच्छा पता चल जाता है अभी रीज़न क्या है कि भाई काउंटर अपने को कितनी वैल्यू तक सेट करना है, क्योंकि इसी में काउंट की वैल्यू है कि लिस्ट की लेंथ कितनी है, ये वाली लिस्ट की लेंथ कितनी है, ये यहाँ पर अपने पास लोकेटेड है। तो सबसे पहले जो अपना एचएल पॉइंटर है उसको यहाँ पर सेट करो, फिर डाटा रिट्रीव करो बी रजिस्टर में, ठीक है क्या। तो बी रजिस्टर में अभी मेरे पास लिस्ट की लेंथ आ जाएगी, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करो अपना एचएल पॉइंटर, ठीक है क्या। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया है। अब क्या करो कि एक्यूमुलेटर में तुम पहले तो ये रख लो कि जो चीज़ मेरे को कंपेयर करनी है उसको पहले मैं एक्यूमुलेटर में रख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में भाई मैंने रख लिया और अभी मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब जो चीज़ एक्यूमुलेटर में है उसको मैं कैसा कंपेयर करूँगा जो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर से लेकर पूरा आगे पूरी लिस्ट की लेंथ तक, ठीक है, ये पूरा आगे मैं कंपेयर करता जाऊँगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा जो कि मेरे पास यहाँ पर है, जो अभी मेमोरी में है, अभी मेरा पॉइंटर लोकेशन किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है। तो इस एक्यूमुलेटर में जो डाटा है यानी कि C000H वाला जो डाटा है वो कंपेयर होगा पहले, इसकी मेमोरी लोकेशन में जो डाटा है वो कंपेयर हुआ। अगर कंपेयर होने पर ज़ीरो आ गया, अपने को पता है CMPM क्या करता है, A-M ये वाली चीज़ करता है, अगर ज़ीरो आ गया तो उसमें कहाँ पर चले जाना भाई अपने को, यहाँ पर, कि क्योंकि भाई अभी मेरे को डाटा मिल गया है, ठीक है। तो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा मेरे को काउंटर डिक्रीमेंट करना है। काउंटर की वैल्यू मैंने कितनी सेट कर रखी है, काउंटर जो कि बी रजिस्टर में है, इनिशियली लिस्ट की लेंथ के बराबर यानी D000H के कंटेंट के बराबर मैंने काउंटर की वैल्यू सेट कर रखी है। तो डिक्रीमेंट करूँगा काउंटर को और फिर उसके बाद वापस से कंपेरिजन वाला काम शुरू कर दूंगा, ठीक है, वापस से कंपेरिजन वाला काम शुरू कर दूंगा। तो अभी एक्यूमुलेटर में जो चीज़ है वो तो मेरी चेंज होने से रही, ठीक है क्या। अब इसमें मुझे ये करना है कि एक्चुअल में ये काउंटर चलेगा कितनी बार, ये चलेगा तब तक जैसे भाई इस मेमोरी लोकेशन में मुझे चीज़ नहीं मिली। अगर D001H में अगर मुझे चीज़ नहीं मिली तो उसके बाद मैं B की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर JNZ नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे जब ये वापस जाएगा तो इसका पॉइंटर तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं भाई, लेकिन ये इसको जो H पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट करना चाहिए था, उसने इसको इंक्रीमेंट किया नहीं है। ये कोड एक्चुअल में गड़बड़ चलेगा फिर, एक्चुअल में उसको DCRB के बाद एक्चुअल में उसका पॉइंटर ज़रूर इंक्रीमेंट करना चाहिए था भाई। एचएल पॉइंटर इंक्रीज ही नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा मामला। देखो उसने क्या किया, पहले यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर उसने एचएल पॉइंटर को अपना जितना उसके पास लिस्ट की लेंथ है वो उसको यहाँ पर पॉइंट किया, फिर उसने डाटा रिट्रीव किया, ठीक है क्या। पहले उसने यहाँ पॉइंट किया, ये वाली लोकेशन पे पहले पॉइंट किया जहाँ पर लिस्ट की लेंथ लगी हुई थी, उसके बाद लिस्ट की लेंथ को उसने कैसा बी रजिस्टर में रख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसने यहाँ पर पॉइंट किया INXH, मतलब फिर एक एक लेंथ आगे आ गया अभी, मतलब वो D001 पे मेरा एचएल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है क्या। फिर एक्यूमुलेटर का जो डाटा है वो जो उसने C000H का जो डाटा है जो कि मेरे को कंपेयर करना है, जो कि मेरे को फाइंड करना है बेसिकली, वो उसने एक्यूमुलेटर में रख लिया। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, देखो जो एक्यूमुलेटर का डाटा है उसको मेमोरी लोकेशन वाले डाटा के साथ कंपेयर कर रहा है। अगर वो
कंपैरिजन में ए माइनस एम अगर मेरा जीरो हो गया तो फिर कैसा, इसका मतलब ए किसके बराबर है भाई, एम के बराबर है, इसका मतलब मेरे को डाटा मिल चुका है तो फिर मैं कैसा होल्ड कर दूंगा, ये भी ठीक है। उसके बाद वो डिक्रीमेंट बी तो कर रहा है पर फिर वो आई एन एक्स एच नहीं कर रहा, यहाँ पे उसको आई एन एक्स एच भी करना चाहिए, ठीक है क्या, कि भाई मेमोरी आगे भी तो बढ़ाना भाई, है कि नहीं, आगे भी तो बढ़ा ताकि अगले वाले के साथ कंपैरिजन हो सके। फिर जे एन जेड जब वो नेक्स्ट करेगा फिर सी एम पी उसको एम करना चाहिए, फिर ये कोड ठीक से रन करेगा, ठीक है क्या, पॉइंटर उसको आगे बढ़ाते भी जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये कितनी बार ये लूप मेरा चलेगा, जितनी मेरी लिस्ट की लेंथ होगी, ठीक है क्या, यानी डी ट्रिपल जीरो एच के कंटेंट के बराबर की लेंथ, जो उसका लेंथ ऑफ द लिस्ट जो है उतना बराबर ये मेरा लूप रन करेगा, ठीक है। तो ये लूप रन करता जाएगा करता जाएगा, फिर जब मान लो कि अगर ये पूरा लूप चल गया है, इसका मतलब भाई अपने को पूरी लिस्ट में डाटा अपना मिला ही नहीं, जो सी ट्रिपल जीरो एच का जो मेरा कंटेंट था वो मेरे को मिला ही नहीं, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, सब ए कर दूंगा। सब ए करने का मतलब ए माइनस ए हो गया, यानी उसका ए के जो कंटेंट रहेगा, एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट रहेगा वो कैसा जीरो हो गए, एक्यूमुलेटर के कंटेंट जीरो हो गए, और फिर एक्यूमुलेटर की ए वाली वैल्यू मैं कैसा सी ट्रिपल जीरो एच में पुटअप कर दूंगा। तो बेसिकली सी ट्रिपल जीरो एच में मेरे पास जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हॉल्ट हो जाएगा कोड, फिर हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। तो इस तरह से पैटर्न मैचिंग या फिर नंबर फाइंडिंग वाली चीज़, पैटर्न मैचिंग बोलता हूँ, नंबर जो फाइंड करने वाला कोड रहा तुम्हारा वो इस तरह से रन करेगा, ठीक है।